आज हम बात करेंगे घर घर में इस्तेमाल होने वाले माइक्रोवेव ओवन की। ओवन से निकलने वाला रेडिएशन कैसे आपकी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, आज हम आपको करेंगे इसी खतरे से आगाह। क्या आपके किचन में भी माइक्रोवेव ओवन है? क्या आप भी रोजाना ओवन का इस्तेमाल करते हैं? माइक्रोवेव ओवन में खाने की चीजें गर्म करते हैं। ओवन के जरिए केक, पिज्जा या टिक्के बनाते हैं। तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अनजाने में आप रोजाना बीमारी को न्योता दे रहे हैं, अपनी सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। जी हाँ, जानकारों की माने तो ओवन से निकलने वाला रेडिएशन बेहद खतरनाक होता है, जिससे दिल, दिमाग और हड्डियों से जुड़ी कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। अब तक आपने मोबाइल से होने वाले रेडिएशन के खतरे के बारे में सुना होगा, लेकिन माइक्रोवेव ओवन से इतना रेडिएशन निकलता है जितना कई मोबाइल और लैपटॉप से भी नहीं। आजकल हमारे और आपके किचन में एक चीज बहुत कॉमन है, वो है माइक्रो ओवन। माइक्रो ओवन में से भी रेडिएशन निकलती है, और ये जो रेडिएशन है वो आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इसका जो रेडिएशन है वो आपके मोबाइल फोन, वॉकी टॉकी और लैपटॉप से कई गुना ज्यादा है। ओवन से इंसानी सेहत को इतना नुकसान पहुंचता है कि हेल्थ एक्सपर्ट तो इसके इस्तेमाल से ही बचने की सलाह देते हैं, लेकिन आज के युग में ये मुमकिन नहीं है। इसलिए न्यूज नेशन आपको बताएगा इसके बुरे असर से आप कैसे बच सकते हैं, इसके इस्तेमाल के बावजूद भी कैसे इसका प्रभाव आप पर कम से कम पड़े। तो बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। हो सकता है आपने माइक्रोवेव ओवन से निकलने वाले रेडिएशन के खतरे के बारे में पहले भी सुना हो, लेकिन आज हम रेडिएशन डिटेक्टर मशीन के जरिए आपको दिखाते हैं ओवन किस हद तक आपके लिए खतरनाक हो सकता है, और साथ ही एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि इसके असर से बचा कैसे जा सकता है। फटाफट खाना गर्म करना हो या कुछ चटपटा बनाना हो, बस ओवन का बटन दबाइए और चंद सेकंड या मिनट में आपका काम पूरा। ओवन ऐसी चीज है जिससे आपके सारे काम चुटकी में हो जाते हैं। आजकल की बिजी लाइफ में माइक्रोवेव ओवन ने किचन के काम को आसान कर दिया है। यही वजह है कि घरों के किचन से लेकर होटलों तक ओवन का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। आंकड़ों के मुताबिक भारत में माइक्रोवेव ओवन का सालाना कारोबार करीब 2400 करोड़ रुपए का है। मगर यही ओवन इंसान की सेहत का दुश्मन भी बनता जा रहा है। आपके किचन की ये मल्टीटास्किंग मशीन आपको कैंसर और दूसरी गंभीर बीमारियों के करीब ला रही है। एक रिसर्च के मुताबिक एक साल में 10 बार सिटी स्कैन कराने से जितना नुकसान आपके शरीर को पहुंचता है, तकरीबन उतना ही रेडिएशन किचन में माइक्रोवेव ओवन से आपको मिलता है। एक्सपर्ट्स की माने तो लगभग हर घर के किचन में इस्तेमाल होने वाला माइक्रोवेव ओवन सबसे ज्यादा रेडिएशन फैलाता है, जो पहले आपके भोजन और फिर शरीर को अपना निशाना बनाता है। खाना गर्म करते वक्त माइक्रोवेव का रेडिएशन 900 वाट के करीब होता है। माइक्रोवेव से कितना रेडिएशन निकलता है ये पता लगाने के लिए न्यूज नेशन की टीम मुंबई के टेली कम्युनिकेशन इंजीनियर अंकुर के पास पहुंची, जिन्होंने कैमरे के सामने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिटेक्टर के जरिए माइक्रोवेव ओवन की जांच की। हमारे साथ अंकुर हैं और उनके हाथ में ये जो रेडिएशन टेस्टर है वो इनके हाथ में मौजूद है। हम आपको दिखाते हैं कैसे माइक्रो ओवन आपके लिए खतरनाक है, कितना हार्मफुल है। अभी आप देख सकते हैं कि माइक्रो ओवन बंद है, बावजूद यहाँ पर जो है वो 1 समथिंग जो है वो लगातार जो है वो दिखाई दे रहा है। लेकिन जब हम ये माइक्रो ओवन चालू करते हैं तब किस तरह से ये जो रेडिएशन है वो बढ़ता चला जाएगा, आप देख सकते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं 9, 10, 15, 16 लगातार जो है 17, आपको 19 बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो अभी भी जो है हमने सिर्फ जो पावर बटन है वही हमने ऑन किया है, अभी भी हमने माइक्रो ओवन को जो है वो चालू नहीं किया है। अब अंकुर हमको चालू करके दिखाएंगे कि रेडिएशन और कितना बढ़ता है। तो जैसे यहाँ पर आ गया अभी, देखिए हमने 10 सेकंड का जो है वो टाइम जो है वो यहाँ पर फिक्स किया है,
और अब हमने जो है वो स्टार्ट कर दिया है, और स्टार्ट करने के बाद इसका जो रेडिएशन है आप देख सकते हैं, जो लिमिट इस मशीन की है वो लिमिट क्रॉस हो चुकी है। हार्मफुल का जो एरो है वो आखिरी स्तर पर है, इससे ज्यादा हार्मफुल जो है वो ये मशीन नहीं बता पा रही है। अंकुर क्या कहेंगे? देखिए, माइक्रोवेव ओवन का जो वैटेज होता है वो 900 वॉट होता है, 900 वॉट एज कम्पेयर टू मोबाइल जो मैक्सिमम 2 वॉट की रेडिएशन एमिट करता है। और जैसे अभी जस्ट हम लोग ने चालू करके देखा कि यहां तक भी इसकी रेडिएशन जा रही है, जो कि हम लोग ऑलमोस्ट 1 फीट अवे है मोबाइल से, अभी भी ये ऑलमोस्ट फुल इंडिकेशन जा रहा है। जैसा कि रिसर्च में बताया जा रहा था, रेडिएशन डिटेक्टर मशीन पर वैसा ही रिजल्ट आया। माइक्रोवेव ओवन से इतना रेडिएशन निकल रहा था जो आपको कभी भी बिस्तर पकड़ने पर मजबूर कर सकता है। अब खतरा इतना बड़ा है तो इसका बचाव क्या है, ओवन के साइड इफेक्ट से भला बचा कैसे जाए, ये भी जान लीजिए। माइक्रोवेव ओवन से 800 से 1000 तक वैट्स का रेडिएशन आता है, और ये रेडिएशन के लिए मैं सब महिलाओं को इतना ही बोलता हूँ कि आप माइक्रोवेव ओवन शुरू कर दिए, शुरू करने के बाद वहां से आप हट जाइए, उसके बाजू में खड़े नहीं रहिए। आप उसके बाजू में खड़े हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि जैसा अपन एक्सरे में देखते हैं या कहीं देखते हैं, वहाँ का रेडिएशन इससे बहुत कम होता है, इसका रेडिएशन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए उन्होंने बाहर थोड़ा दूर जाना है। माइक्रोवेव अपन ऐसा 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट यूज़ करते हैं, लेकिन उतना भी किए तो उसका बहुत सारा नुकसान पहुँच सकता है कि हर वक्त जो महिलाएँ काम करती है उनको रेडिएशन आ सकते हैं। अगर प्रेग्नेंट महिला है तो उन्होंने इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो देखा आपने, जानकारों की राय और मेडिकल एक्सपर्ट का भी यही मानना है कि माइक्रोवेव ओवन से दूरी बनाकर ही इससे निकलने वाले खतरनाक रेडिएशन को बेअसर किया जा सकता है। लिहाजा आप भी ये सावधानियां बरतें और ज्यादा जरूरत पड़ने पर ही माइक्रोवेव का इस्तेमाल करें। ऐसे में एक ही सलाह है जो हमारे दर्शक हैं उनको, कि जब आप ओवन शुरू करते हैं तो कोशिश करें कि अपना जो भी आप फूड है वो अंदर रखने के बाद ओवन से दूर हो जाएं, तब तक के लिए जब तक कि आपकी जो सेट टाइम है वो पूरी ना हो जाए और ओवन जो है वो फिर से बंद ना हो जाए। उसके बाद ही उसके करीब जाए, उसके नजदीक जाकर उसे निहारे नहीं, उसमें देखे नहीं कि किस तरह से वो गोल घूम रहा है, किस तरह से अंदर जो है वो गर्म हो रहा है। तो कोशिश करें कि आप अपने ओवन से दूर रहें जब वो चालू है। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल चौहान के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज नेशन, मुंबई।